साथियों नमस्कार, लेकर आ चुका हूँ टॉप 1000 जीके यानी टॉप 1000 जीके के प्रश्न आज हम करेंगे इस वीडियो में। और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस में है और एमसीक्यू के फॉर्म में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस डिफेंस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी इस तरीके के क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आप अगर डिफेंस के प्रिपरेशन करते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए इस तरीके से मैं बताऊंगा, क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, बिकॉज कम समय में आपका रिवीजन होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी आंवले में प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लिए लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड यानी जेएल बेयर्ड भी बोला जाता है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने सबसे पहला बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी और ये यूपी की थी। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष जाधव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम यानी मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा कब आया भारत में? तो 1498 में आया। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? तो सरदार पटेल को। और ये लौह पुरुष का मतलब क्या होता है और एकता दिवस कब मनाया जाता है ये आप सभी बताइए। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये किससे संबंधित है? ये पुस्तक जो है राजनीतिक से संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर जय विज्ञान लग जाएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस के जो संस्थापक है हेनरी डुनांट थे। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो सिक्किम है दोस्तों। ओनम किस राज्य का त्यौहार है? तो केरला का त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी है, कब बनी? 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र जो है, सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ।
राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, और राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय फूल है कमल, और राष्ट्रीय पेड़ है बनियान यानी बरगद, राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, राष्ट्रगीत कौन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, और वंदे मातरम को किसने लिखा यानी राष्ट्रगीत को बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत है, और राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकेंड। नेक्स्ट है रेडियो 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 एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बैकरोल ने किया। पेसमेकर का संबंध होता है, तो हृदय से संबंधित पेसमेकर का संबंध होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। कार्बन की सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो रॉन्टजेन ने किया। किस धातु को मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, बम्बई से थाने के बीच चली, जो कि वर्तमान में मुंबई है। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई, तो ये कोलकाता में हुई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 में हुआ। एंड नेक्स्ट, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं, तो 193 देश हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं, तो 15 सदस्य देश होते हैं। अस्थाई कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, और अस्थाई कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग, जो कि हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र सभा के हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य जो भी होते हैं 10 सदस्य होते हैं, और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अभी फिलहाल में हमारा देश भारत इस सदस्य की श्रेणी में है। तो नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 देश कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी क्या है, आप सभी कमेंट में बताना। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का मतलब नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343 यानी 343, याद रख लेना, काफ़ी आसान है याद करना। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्षों बाद होता है। सॉरी 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो रिया डी जेनेरो में ऑलरेडी हो चुका है। और 2020 की बात करें, जो कि टोक्यो में होने वाला था, तो उसको कोरोना की वजह से 2021 में किया गया। और हमारे बहुत सारे भारतीय ने पदक जीते हैं, जिनमें से नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, आप सभी याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है, गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना किसने की, राव वीरेंद्र सिंह ने की। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है,
44,212 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर होगा। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा होंगे। नेक्स्ट, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट होती है तो ये किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। काजीरंगा अभयारण्य असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर है? शिप्रा नदी के किनारे पर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था या नारा दिया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की जो लिपि है कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे यानी दुग्ध मेघला भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदार मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस से हुई और 1896 में हुई। और एथेंस किस देश में है? तो यूनान में है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 में मास्को में जीता था। ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्षों पर होता है? 4 वर्षों पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? लुसान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने गोले होते हैं? यानी ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है माइकल फ्लेप्स। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे? टोक्यो जापान। ये ऑलरेडी 2021 में हुआ है। अभी सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने, देखिए ये सब 2012 का करेंट का क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में भाग लिया, ये पूछा जाएगा। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मलेश्वरी थी। बैक टू बेराज के लेखक कौन है? तो महर्षि दयानंद वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद की रचना है। पशुओं में मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे यानी किडनी के द्वारा। एकमात्र भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। भारतीय भारत रत्न उत्साह बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? तो शहनाई वादक हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रूस के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की थी, जुनको तेवई नाम था। पीलिया अंग किस को प्रभावित करता है? तो ये पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये यकृत एवं लीवर से संबंधित रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम है, यह पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध ग्रहण किया था? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह देखिए ये क्वेश्चन है 12 जुलाई को एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था, मैंने रिव्यू दिया हूँ, आप देख लेना। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो थे अशिक्षित थे। अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? गुरु रामदास ने किया। गद्दर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब 1951 में शुरू किया गया? चीनी यात्री ह्यूएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो रक्त समूह वो जो है सर्वदाता है। और हड्डियों की संख्या मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। मादा एनफ्लिज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है दोस्त। नेक्स्ट सवाल है, टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल प्रकाश की गति 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्त। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपर निकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। फिर से, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में किया गया। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मारो महात्मा गांधी, जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटा दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखता हूँ जोर कितना बाजू या कातिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है होता है? सॉरी, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान भारत रत्न। और भारत का पहला व्यक्ति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है। वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पदक कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है दोस्त। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रशिया से थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब भेजा गया? तो आर्यभट्ट, और 1975 में भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। दुरंड का संबंध है? दुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा बांध की बात करते हैं तो टिहरी बांध है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन या रेनमिनबी है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनांट। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग होता है दोस्त। नेक्स्ट, भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय 1916 में। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय यानी सार का मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षेश में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन हैं आप देख लो। भारत का तटरेखा की लंबाई 7516 है। नेक्स्ट, विश्व में माइका यानी अभ्रक का उत्पादन में भारत शीर्ष पर है। ग्रैंड ट्रंक रोड की
किसने बनाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? सी नहीं पाया जाता है। डी की कमी से कौन सा विटामिन होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये नॉर्मली बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी हड्डियाँ कमजोर भी हो जाती है, हड्डियाँ टूट फूट भी जाती है, तो वो कैल्शियम की कमी से ऑलरेडी ये रोग का प्रभाव होता है। तो आप सभी समझ सकते हो कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होती है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन का खतरा होता है, नपुंसकता भी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ए और ई, के ई डी ए याद रख लेना ट्रिक, के ई डी ए, ये जो भी विटामिन है वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट, साधारण नमक का NaCl सूत्र होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3×10H2O होता है। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। और टेकोफेरॉल विटामिन ई का। और फिलोक्विनोन किसका है? आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, नेत्रदान में नेत्रदाता किस भाग का दान करता है? तो कॉर्निया दान करता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी एवं उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया था? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? प्रथम, देखिए, राजराजा प्रथम चोल ने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राज़ील में आयोजित हुआ। वर्ष 2018 फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन सा है? रसिया है। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 2015 का विश्व कप कहाँ हुआ था? सॉरी, विश्व कप किसे किसके बीच में हुआ था? दोस्त, इस क्वेश्चन में है कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 2019 का कहाँ हुआ था? इंग्लैंड एवं वेल्स में हुआ था। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर, यानी जीवी मालवंकर जी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। कोई भी देख धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ। विश्व में चांदी का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वैटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो देशों को जोड़ता है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुब्बा में है। और ये दक्षिणी सूडान जो है 193वां सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और आईने अकबरी की पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अब्दुल फजल हैं। होपमैन कप का संबंध टेनिस से है। देशबंधु के नाम से जाने चित्रनंदन दास। और दीनबंधु के नाम से जाने CF एंड्रयूज। अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होते? 24 तिलियाँ होते। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र, जिसमें वॉइस नहीं था। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 होती है। RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन, मतलब तरह तरह के बोले जाते हैं। तो यहाँ पर
आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कौन सा संयंत्र कहाँ स्थित है? असम के डिगबोई में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस और कब के अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर के अधिवेशन में। नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से दूध उत्पादन से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन, जो कि अभी रिटायरमेंट हो चुका है इनका। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? चीनी आक्रमण के समय 1962 में हुआ था। भारत में अभी तक तीन आपातकाल कितने होते हैं? तीन आपातकाल होते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मेगास्तनीज था, और मेगास्तनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन है। विटामिन की खोज सी फंक ने किया, यानी कैश्मीर फंक ने किया। स्टेनलेस स्टील किस का मिश्र धातु होता है? तो ये आयरन क्रोमियम एवं निकल से बना होता है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होता है? तो कॉपर एवं टिन की मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने और सर्वप्रथम मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। मानव सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का उपयोग किया था। राजस्थान में एक खेतड़ी जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह शुक्र है। और मानव की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा होता है। दोस्तों, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? डेसिबल के द्वारा मापी जाती है। मधुमक्खी पालन एपिकल्चर होता है। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और ये बताइए, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की जो चाल होती है कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो शुक्र है। और सूर्य में सर्वाधिक कौन सा गैस है? तो सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद हीलियम। पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा क्षेत्र बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा क्षेत्र वर्षों पर दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश 500 सेकंड यानी 8.3 मिनट लगता है। दोस्त, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। कंप्यूटर ने किस